गाइज मैं बताऊँ मेरे कितने पेंटर भाई लोग हैं जो पेंटिंग का काम करना चाहते हैं मुंबई में। वो मेरे पास इतने सारे कमेंट कर रहे थे कि भाई आप ही बताओ कि मुंबई में अगर हम अभी के टाइम पे काम करना चाहते हैं एज अ पेंटर तो हम कैसे कर सकते हैं, कितनी हमको सैलरी मिल जाती है। कई लोग ये कह रहे थे कि मुंबई में हमारा कोई जान जान पहचान नहीं है, कोई हमारा कॉन्टेक्ट नहीं है, तो हमको जॉब कैसे मिलेगा। तो मैं आपको बताऊँगा आसानी से आपको जॉब मिल जाएगा, और बाकी सब जो स्टेट हैं बाकी सब जो राज्य हैं उनके मुकाबले मुंबई में काफ़ी अच्छी सैलरी मिलती है पेंटर्स को। अगर आप वॉल पेंटर हो, सीलिंग पेंटर हो, या फिर जो फ्लोर पेंटिंग होती है, या फिर किसी भी टाइप के आप पेंटर हो, आप मुंबई में काम कर सकते हो। और मुंबई में डिमांड भी अच्छी है, पैसे भी अच्छे मिलते हैं, बट लोगों को ये रहता है कि हमको जॉब मिलता नहीं है कई लोगों को, ठीक है। तो मैं बताऊंगा कैसे आपको मिल सकता है। और कई लोग आईटीआई से पेंटिंग का कोर्स करते हैं, जैसे वॉल पेंटिंग होती है, सीलिंग पेंटिंग होती है, इसके आईटीआई कोर्स भी होती है, कई लोग वो करके रखे हुए हैं। कई लोग फ्रेशर पे काम सीखे हुए हैं, जैसे 10th और 12th के बाद ही पेंटर के साथ में रह करके काम सीखे हुए हैं, तो वो भी आप काम कर सकते हो 10th और 12th के बाद ही। देखो तीन तरह से काम होता है, एक तो कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू होता है, जैसे कोई भी बिल्डिंग का कॉन्ट्रैक्ट ले लेता है कोई, उसके थ्रू आप पेंटर वो हायर करते हैं, वो आप उसके हिसाब से काम करते हो, ठीक है। सेकंड होता है कंपनी के थ्रू भी कई सारे लोग अप्लाई करते हैं और कई सारे लोग काम करते हैं। तो कंपनी थ्रू मैं बता देता हूँ, कॉन्ट्रैक्टर तो अगर आपका कोई जान पहचान करेगा तो ही मिल पाएगा, नहीं तो कंपनी के थ्रू आप वेबसाइट के थ्रू कर सकते हो। जैसे कि एक वेबसाइट है indeed.com करके, और एक लिंक्डइन है, यहाँ पे आप पेंटर के जॉब के लिए सर्च करोगे तो वहाँ पे आपको जॉब मिल जाएगा, और वहाँ पे सारी डिटेल्स आपको मिल जाती है, एचआर डिटेल, कॉन्टैक्ट, कहाँ से आपको अप्लाई करना है, सारी चीज़ें मिल जाती हैं, तो वहाँ से अप्लाई कर सकते हो। सैलरी अगर आप बात करें मुंबई में कितने तक मिलती है, जो काफी लोग मेरे से पूछ रहे थे, देखो अगर आप फ्रेशर हो तो अगर आप कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू करते हो तो महीने का आपको 15 से 20 हज़ार रुपये मिल जाती है फ्रेशर पे। अगर आप एक्सपीरियंस हो, बिल्डिंग पेंटिंग में आपको आती है, अच्छी खासी एक्सपीरियंस है आपको, तो 25 to 30,000 रुपीज ही लोग मंथली अर्न कर रहे हैं। और जो लोग काफी प्रोफेशनल है वो 45,000 रुपये भी मंथली अर्न करते हैं एज ए पेंटिंग वर्क पे, जो प्रोफेशनली बिल्डिंग का काम करते हैं, ठीक है। तो हैव नाइस डे, मिस लोग को डाउट कमेंट करो, कुछ भी पूछना हो यार तो कमेंट कर सकते हो। सैलरी मेरे से लोग पूछ रहे थे और अप्लाई मैंने बता दिया, लिंक्डइन और इंडीड के थ्रू कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आप लोगों को, ठीक है। तो बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक, कोई डाउट कमेंट करो, बाय बाय। और कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ उसका, अच्छी वेबसाइट है इसलिए मैंने बता दिया।